नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत, भतीजे ने जताया हत्या का शक। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। पटरंगा थाना क्षेत्र में एक वृद्धक के रहस्यमय तरीके से मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रानीमऊ चौराहे पर एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार के ही कुछ लोगों ने आनन फानन में सबको दफना दिया। जब मृतक के मौत की जानकारी भतीजे रमेश चंद्र यादव निवासी गुलचप्पा कला थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश जब रानीमऊ चौराहे पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोगों से अपने चाचा भागीरथ यादव पुत्र स्वर्गीय ललई यादव की मौत की जानकारी दी तो लोगों ने बताया कि यह अभी ठीक ठाक थे, अचानक मौत की खबर से हर कोई हैरान है। आइए सुनते हैं मृतक के भतीजे का क्या कहना है। कहाँ के रहने वाले हैं? चंपा कला। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है, हमारे चाचा और चाचा की जमीन का मुद्दा चल रहा है। वो न्यायालय में सुनवाई चल रहा है और इन्होंने बैनामा करवाया उसी जमीन को, उसी जमीन की विरासत भी है, इसलिए हमारा उनका नाराजगी था। हमारे बड़े भाई रानीमऊ चौराहे पे घर लिए हैं, वहीं पे इनको लगे हैं। डेढ़ महीना हो गया है। डेढ़ महीना के बाद जब ये घर पर आए 13 तारीख को दो बजे चारपाई खटिया और उनकी धोती और कथरी ले गए। उसके बाद में 14 तारीख को 8 बजे सूचना मिली कि चाचा ख़त्म हो गए। तब हम लोग रानीमऊ चौराहा जब पहुँचे तो इधर उधर से पता लगाया तो पता लगा कि ये भी बीमार नहीं थे, स्वस्थ थे। फिर हम लोग को देखने नहीं दिया, वहाँ से हम लोग चले आए। उसके बाद में लाश वहीं से नहला धुला करके लेके आए गांव किनारे। जो कुछ लोग गए थे रोड पे, थोड़ा सा दिखाया दो कुछ लोगों को और उसके बाद में शमशान घाट लेकर चले गए। नात बात वगैरह कोई मिट्टी देने को नहीं पाया, ना किसी की कहीं पर खबर दिया। तो हमको शक है कि ये मारे पीटे गए हैं और उनके शरीर पे थोड़े थोड़े चोट के निशान भी थे, चोट के निशान रहे, इससे हमको शक लगता है कि जो है ये मारे गए हैं। और वहाँ से लेकर के आए लाश सीधे शमशान घाट पहुँचा दिया। इस संबंध में आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? हमने प्रार्थना पत्र पटरंगा थाने में दिया आज 16 तारीख को जो दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़े साहब ने कहा था कि हम इसकी देख कर लेंगे, देख रेख करेंगे, इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज महोदय हम फैजाबाद गए, SP सिंह के यहाँ दरखास्त दिया है। आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या गए थे? जी सर। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया है कि ठीक है, अब कार्रवाई हो जाएगी।